Conjunction is a word used to join words, phrase, clause, or sentence together. नमस्ते सर विद्यार्थियों को, सर्जन भाई इन्फेक्ट चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे कंजक्शन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन्हीं में से आज कंजक्शन देखेंगे। कंजक्शन को विस्तार से जानने से पहले कुछ सेंटेंस देखेंगे। रीना एंड बीना आर सिस्टर्स। आई एम पोअर बट यू आर रिच। आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स। ही गेट अप अर्ली देयरफॉर ही इज हेल्दी। द वर्ल्ड इज ब्राइट व्हेन सन राइजेस। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त वर्ड्स एंड, बट, इफ, देयरफॉर तथा व्हेन का प्रयोग ये सब दो वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंसेस जुड़ने के अतिरिक्त और अन्य कोई काम नहीं करते। ये सब कनेक्टिंग वर्ड्स है, इन्हें ग्रामर की भाषा में कंजक्शन कहते हैं। सो वी कैन डिफाइन कंजक्शन एज ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी कंजक्शन वह शब्द है जो शब्द, शब्द समूह, वाक्यांश, उपवाक्य या वाक्यों को जोड़ता है। तो एग्जाम्पल से उनका, सो दैट, येट, व्हाइल, ऑल्दो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, एज वेल एज, बट, अंटिल, अदरवाइज, वेदर, नाइदर, नॉर, हाउएवर, इफ, स्टिल, एज इफ, देयरफॉर, बिकॉज, बोथ एंड, एज लॉन्ग एज, एंड, व्हेन, व्हेयर, अनलेस, दो, आइदर और इवन इफ। नोट्स देखेंगे। कंजक्शन मस्ट बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन व्हिच आर ऑल्सो कनेक्टिंग वर्ड्स। अनेक कनेक्टिंग वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग विभिन्न वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब या प्रीपोजिशन के रूप में भी हो सकता है, साथ ही कंजक्शन के रूप में भी। इस स्थिति में हमें यह जानना चाहिए कि उक्त शब्द कंजक्शन है या नहीं। इन संदर्भ में हमें सूत्र रूप में यह समझ लेना चाहिए कि कंजक्शन केवल जोड़ने का काम करता है, इसके अतिरिक्त कोई और काम नहीं। कंजक्शन ओनली जॉइन, देयर इज नो अदर वर्क। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लॉज को जोड़ने के साथ साथ अपने पूर्व आय नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने बाद आने वाले क्लॉज से स्थापित करता है। रिलेटिव एडवर्ब दो क्लॉज को जोड़ने के साथ साथ अपने बाद आने वाले क्लॉज के भार को मॉडिफाई करता है। ध्यान दें, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव एडवर्ब ऑल्सो जॉइन बट दे डू मोर। ए प्रीपोजिशन ऑल्सो जॉइन टू वर्ड्स बट इट डज मोर। इट गवर्न ए नाउन और ए प्रोनाउन। कंजक्शन आर मेयरली कनेक्टिंग वर्ड्स। प्रीपोजिशन जिस नाउन या प्रोनाउन इक्विवेलेंट के पहले लगा रहता है, इसका संबंध वाक्य के किसी खास दूसरे शब्दों या शब्दों समूहों से कराता है, जबकि अन्य कनेक्टिंग वर्ड्स जोड़ने के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं। निम्नलिखित एग्जाम्पल को समझकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। दिस इज ए कार दैट आई बॉट यस्टरडे। इस वाक्य में दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द स्पॉट वेयर ही वॉज अरेस्टेड। यहाँ वेयर रिलेटिव एडवर्ब है।
He found the box where he had left it. यहाँ where conjunction है. I know that he is quite fine. यहाँ that conjunction है. Ram has been absent since yesterday. यहाँ since preposition है. I will buy mango since my son like them. यहाँ since conjunction है. ध्यान दें, एक ही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग के आधार पर कंजक्शन होता है तथा अन्य वाक्यों में अन्य पार्श्व स्पीच हो सकता है. यहाँ लिखे गए कुछ एग्जांपल देखेंगे. स्टे टिल संडे, यहाँ टिल प्रीपोजिशन है. वी शैल स्टे हियर टिल यू रिटर्न, यहाँ टिल कंजक्शन है. द बॉय रन आफ्टर द कार, यहाँ आफ्टर प्रिपरेशन है. राम केम आफ्टर दशरथ हैड डाइड, यहाँ आफ्टर कंजक्शन है. द थीप स्टूड बिफोर द जज, यहाँ बिफोर प्रिपोजिशन है. लुक बिफोर यू इट, यहाँ बिफोर कंजक्शन है. आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, यहाँ बिफोर एडवर्ब है. Now you see the kinds of conjunction. Conjunction are mainly of two types, coordinating conjunction, subordinating conjunction. Coordinating conjunction, the conjunction which join two grammatical unit of the same kind, that the noun and noun, adjective and adjective, adverb and adverb is called a coordinating कंजक्शन. जो शब्द एक ही स्तर के शब्द यानी सेम स्टेटस और रैंक शब्दों समूह या वाक्यों को जोड़ता है उस वर्ड को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है. एग्जांपल, और ऑल्सो, टू, एज वेल एज, नाइदर नॉर, बट, येट, फॉर, आइदर और, not only but also, and still, nor, also, both, and. इन वाक्यों में इटालाइज वर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जैसे कि मोहन एंड सोहन आर ब्रदर, यहाँ मोहन और सोहन के बीच का संबंध है, बोलो एक ही स्तर के हैं. प्लीज बाय ए पेन और ए पेंसिल, यहाँ और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो कि पेन और पेंसिल के बीच का संबंध जोड़ता है. ही इज रिच बट डिजोनेस्ट, यहाँ बट रिच और डिजोनेस्ट को जोड़ता है. आइदर राम और श्याम इज गिल्टी, यहाँ और राम और श्याम दोनों को जोड़ता है. आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ एंड हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज दोनों को जोड़ता है. अंकित इज रीडिंग एंड सोनी इज राइटिंग, यहाँ अंकित अभी पढ़ता है और सोनी राइटिंग है. ये दो काम जो सेम टाइप या सेम रैंक का काम है जो एंड द्वारा जोड़ते हैं. उपरोक्त वाक्य में मोहन और सोहन एक ही स्तर के नाउन एंड नाउन दो शब्द हैं, अतः इन्हें जोड़ने वाला एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. इसी प्रकार शेष वाक्यों में भी वे दो ग्रामेटिकल यूनिट को जोड़ा गया है, क्रमशः नाउन एंड नाउन, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव, नाउन एंड नाउन, नाउन एंड नाउन, सबसे अंत में एंड दो वाक्यों को जोड़ता है जो एक ही स्तर के हैं, अतः उपरोक्त सभी कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. नाउ वी सी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, द कंजक्शन व्हिच जॉइन ए सबऑर्डिनेट क्लॉज टू ए प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन ए क्लॉज और एनादर ऑन व्हिच इट डिपेंड फॉर इट्स फुल मीनिंग,
यानी जो कंजक्शन सबनेटिंग क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज से जड़ता है वह सबनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल्स सो टिल व्हेन आफ्टर बिफोर एज इफ एज सिंस अंटिल व्हेयर अनलेस वेदर इट दैट व्हाइल बिकॉज एज द सो दैट। आइए कुछ वाक्यों को गौर से देखेंगे। मोहन इज हैप्पी बिकॉज ही हैज गॉट ए प्राइज। आई विल गिव यू फ्रीडम इफ यू गिव मी ब्लड। ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया है। तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस वाक्य में भी देखेंगे इफ दो वाक्यों को जोड़ता है। आई विल गिव यू फ्रीडम यही एक वाक्य है। सेकेंड वन इज यू गिव मी ब्लड तो दोनों वाक्यों को जोड़ता है इफ द्वारा। राम सेड दैट ही कुड नॉट कम आई शैल स्टे अंटिल ही रिटर्न्स। दे sang song while we danced। सबॉर्डिनेट क्लाउज अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरों पर मतलब दूसरे शब्द समूहों पर निर्भर करता है, इसलिए उसे डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। जिस क्लाउज पर यह डिपेंड करता है वह क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है। उपरोक्त वाक्यों में जो क्लाउज बिकॉज इफ दैट अंटिल तथा व्हाइल से प्रारंभ हुए हैं वे सबनेटिंग क्लाउज हैं। अतः बिकॉज इफ दैट अंटिल तथा व्हाइल ये सबनेटिंग कंजक्शन है।